गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम योर जीएस मेंटर सौरभ महाजन फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ जेकेएसएसबी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी से स्पार्क इंस्टीट्यूट जम्मू की तरफ से एक इनिशिएटिव को शुरू किया गया, जिसमें एक फ्री ऑनलाइन बैच को शुरू किया गया उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मॉर्निंग 10 AM to 12 noon इस बैच की टाइमिंग रहेगी, और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को स्पार्क इंस्टीट्यूट जम्मू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। This will be the faculty who will teach their respective subjects in the batches. जो ऑनलाइन बैच है उसका जो मेजर फोकस है वो अपकमिंग एग्जाम नायब तहसीलदार और पटवारी के ऊपर रहने वाले। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, हर ट्यूजडे को हमारा ऑफलाइन बैच शुरू होता है, जिसमें 3 दिन का जो डेमो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। सो फर्दर मूविंग नेक्स्ट, दिस इज द शेड्यूल ऑफ हिस्ट्री, जहां पे हम लोग ऑलरेडी लेक्चर 1 में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर चुके हैं। लेक्चर 2 में हम लोगों ने वैदिक एज के टॉपिक को कवरअप किया। लेक्चर 3 में हम लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म के टॉपिक को कवरअप किया। लेक्चर 4 में हम लोगों ने टॉपिक कवरअप किया था प्री मौर्यस एंड मौर्यस का। एंड टुडेज अवर लेक्चर 4, जिसमें हम लोग टॉपिक कवरअप करेंगे पोस्ट मौर्यस, गुप्ताज एंड वर्धन का। और इस टॉपिक के साथ में हम लोग आज अपनी एंशियंट हिस्ट्री को ओवर करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, और वो स्टूडेंट्स जो आज हमारे साथ में पहली बार जुड़ रहे हैं, मेक श्योर कि टाइम रहते वो बाकी के इन सभी लेक्चर्स को एक बार ही गो थ्रू कर लें। प्लेलिस्ट में आप लोगों को ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो जो भी स्टूडेंट्स मेरे बारे में जानना चाहते हैं वो इस पर्टिकुलर स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं। मूविंग नेक्स्ट, सो दिस वॉज द एम्पायर ऑफ शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी बात की थी, दैट द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वॉज बृहद्रथ मौर्य, एंड बृहद्रथ मौर्य वॉज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ मौर्य वॉज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंग, हु वॉज ए ब्राह्मण, एंड दस शुंग डायनेस्टी बिकेम द फर्स्ट ब्राह्मणिकल डायनेस्टी टू रूल, एंड दिस वॉज द एम्पायर ऑफ शुंग डायनेस्टी। ठीक है, जहां पे हम लोगों को पाटलिपुत्र एक मेजर सिटी देखने को मिल रही है, विदिशा सिटी देखने को मिल रही है जो कि इनकी कैपिटल भी थी, मथुरा सिटी देखने को मिल रही है, एंड एज फार एज सगाला सिटी देखने को मिल रही है विच इज राइट नाउ इन पाकिस्तान। सो पोस्ट मॉडर्न एरा में हम लोगों को सबसे पहले डायनेस्टी देखने को मिलती है, इट वॉज द शुंग डायनेस्टी। सो शुंग डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट ब्राह्मणिकल डायनेस्टी। एक चीज का ध्यान देना, हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में बात की थी प्री मौर्यस और मौर्यस के बारे में। मौर्य से जस्ट पहली डायनेस्टी थी वो कौन सी डायनेस्टी थी? अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाए विच डायनेस्टी प्रिसीडेड मौर्य डायनेस्टी, सो द आंसर विल बी नंद डायनेस्टी। ठीक है, और नंद डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें, नंद डायनेस्टी वॉज द शूद्र डायनेस्टी, इनफैक्ट इट वॉज द फर्स्ट शूद्र डायनेस्टी टू रूल ओवर मगध। मौर्यंस के बाद की अगर हम लोग बात करें, इट वॉज द शुंग डायनेस्टी, एंड शुंग डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट ब्राह्मणिकल डायनेस्टी टू रूल ओवर मगध। ठीक है, और इस शुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे ही वॉज पुष्यमित्र शुंग। हिंदी में हम लोग इसको शुंग वंश लिखते हैं। सो शुंग डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट ब्राह्मणिकल डायनेस्टी टू रूल ओवर मगध, जिसके फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने बृहद्रथ मौर्य को मारकर शुंग वंश की स्थापना की। सो पुष्यमित्र शुंग वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ बृहद्रथ मौर्य, एंड पुष्यमित्र शुंग वॉज ए ब्राह्मण। इन्होंने विदिशा, जो आज के टाइम पे मध्य प्रदेश में है, इसको अपनी राजधानी बनाया, इसको अपनी कैपिटल बनाया, एंड ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। यज्ञों के बारे में हम लोगों ने अपने टॉपिक वैदिक एज में बात की थी। जिन स्टूडेंट्स ने वैदिक एज का टॉपिक नहीं देखा हुआ वो उस टॉपिक को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप लोगों को वो वाला टॉपिक मिल जाएगा। सो अश्वमेध यज्ञ पुराने समय में जो किंग्स थे वो परफॉर्म किया करते थे फॉर देयर टेरिटोरियल एक्सपेंशन। सो द अश्वमेध यज्ञ वॉज परफॉर्म्ड बाय महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के द्वारा दो बुक्स हम लोगों ने बात की, वन वॉज योग सूत्र या योग शास्त्र भी लिखते हैं,
एंड द नेक्स्ट वॉज महाभाष्य. सो ये दो बुक्स महर्षि पतंजलि के द्वारा दी गई. सो पुष्यमित्र शुंग वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अग्निमित्र. अग्निमित्र के ऊपर शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहे जाने वाले कालिदास ने एक बुक लिखी है. इट इज कॉल्ड एज मालविका अग्निमित्रम. कालिदास रोट ए लव स्टोरी बेस्ड ऑन अग्निमित्र एज मालविका अग्निमित्रम. कालिदास के द्वारा रचित और भी कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग आज ऑथर्स एंड बुक्स में बात करेंगे. सो द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी वॉज देवभूति हु वॉज किल्ड बाय वासुदेव. देवभूति हु वॉज किल्ड बाय वासुदेव एंड वासुदेव फाउंडेड कन्नव डायनेस्टी. ठीक है, सो दे फाउंडेड कन्नव डायनेस्टी. सो दिस वॉज दी कन्नव डायनेस्टी. ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग कन्नव डायनेस्टी, कन्नव वंश के नाम से जानते हैं. और इसके फाउंडर थे वासुदेव और इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया. कन्नव को रिप्लेस किया सतवाहन्स ने, सतवाहन वंश के लोगों ने इनको रिप्लेस किया. सो सतवाहन्स ने जो अपनी कैपिटल बनाई वो आज के महाराष्ट्र में पैठान नाम की जगह या प्रतिष्ठान नाम की जगह पे बनाई. डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में ये दोनों इनकी कैपिटल्स रही. और सतवाहन्स ने भारत में शुरू किए लेड कॉइन्स. ध्यान रखना, कॉइन्स को लेकर काफी मेजरली आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये काफी कॉमन क्वेश्चन है जो कॉइन्स को लेकर पूछे जाते हैं. ठीक है, सो सतवाहन्स के द्वारा शुरू किए गए लेड कॉइन्स. हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में मौर्य वंश के बारे में बात की थी, जहां पे हम लोगों ने दो कॉइन्स कर्ण और माशिका के बारे में बात की. सो द फाउंडर ऑफ सतवाहन वॉज सीमुक. इनको सुशर्मन के नाम से भी जाना जाता है. और सतवाहन में कई सारे काफी पॉपुलर किंग्स हुए, उनमें से एक किंग का नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिन्होंने विंध्याधिपति का टाइटल भी एज्यूम किया. ठीक है, एंड द लास्ट रूलर ऑफ सतवाहन वॉज पुलवमी थर्ड. ध्यान रखना, हर एक डायनेस्टी में आप लोगों को उस डायनेस्टी का फाउंडर का नाम पता होना चाहिए और उस डायनेस्टी का जो लास्ट किंग है उसका नाम पता होना चाहिए. ये काफी कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है. ठीक है, फाउंडर एज वेल एज द लास्ट किंग. टाइम को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनरली वो नहीं पूछा जाता. टाइमलाइन नहीं पूछी जाती है कि किस टाइम से किस टाइम तक किस डायनेस्टी ने रूल किया. लेकिन एक क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को परेशानी आ सकती है वो ये आ सकती है कि वो कई सारी डायनेस्टीज दे सकते हैं, नंद डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी, कन्नव डायनेस्टी या मौर्य डायनेस्टी. ठीक है, और फिर क्वेश्चन ये दे सकता है कि इस डायनेस्टी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ. ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, सिक्वेंशियल ऑर्डर कैसे मेंटेन करना होता है, इसके बारे में हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में बात की है. तो अगर आप लोगों को उसके बारे में जानना है तो हमारे लास्ट लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं. सतवाहन्स की अगर बाद में हम लोग बात करें तो कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हम लोगों को देखने को मिलती है. ये काफी कॉमन क्वेश्चन है. इन चारों को देकर वो इसका सीक्वेंशियल ऑर्डर पूछ लेते हैं कि इन चारों को क्रम में लगाओ कि जिस क्रम में इन्होंने भारत को इन्वेड किए. सो यही इनका सही क्रम है, यही इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. सबसे पहले थे इंडो ग्रीक्स, इनको बैक्ट्रियन ग्रीक्स के नाम से भी जानते हैं. देन कम्स शक्स, देन कम्स पार्थियंस एंड देन कम्स कुशांस. इंडो ग्रीक्स की अगर हम लोग बात करें, इनको बैक्ट्रियन ग्रीक्स के नाम से भी जानते हैं. बैक्ट्रिया नाम की जगह थी जो कि राइट नाउ पर्शिया अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है. और इंडो ग्रीक्स में हम लोगों को एक काफी फेमस किंग देखने को मिलते हैं. हिज नेम वॉज मिलियंड्रस. इनको मिनेंडर के नाम से भी जानते हैं और बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में हम लोग इनको मिलिंद के नाम से जानते हैं. सो जो किंग मिलियंड्रस थे या जो किंग मिलिंद थे, उन्होंने सियालकोट के ऊपर रूल किया. सियालकोट वाला जो एरिया है यहाँ पे रूल किया. जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी स्टूडेंट्स काफी अच्छे से जानते होंगे कि सियालकोट की अगर हम लोग बात करें, यह आरएसपुरा से मात्र 11 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में पड़ता है. मात्र 11 किलोमीटर दूर, वहां पे इसका माइलस्टोन भी लगा हुआ है. ठीक है, तो एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. तो किंग मिलियंड्रस और एक बुद्धिस्ट मंग थे, बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था नागसेन. उनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन होती हैं और उन कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जाता है एक लिटरेचर जिसको बोला जाता है मिलिंद पन्हो. इसको इंग्लिश में हम लोग क्वेश्चन ऑफ मिलिंद के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, मिलिंद पन्हो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है
एंड इट इज बिलीव्ड कि अपने इस कन्वर्सेशन के बाद में जो किंग मिलिंद थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म की दीक्षा उन्होंने किससे ली, नागसेन से ली। इंडो ग्रीक्स पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स भारत में शुरू किए, देवर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, और आगे चलकर जो शक थे उन्होंने इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस कर दिया। ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है जो कि एसएससी में बहुत बारी पूछा जाता है, एसएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ। सो फर्दर मूविंग नेक्स्ट, सो द शक्स ऑल्सो कॉल्ड एज सीथियंस दे डिस्ट्रॉयड इंडो ग्रीक्स एंड द फेमस शक रूलर वॉज किंग रुद्रदमन। सो द किंग रुद्रदमन रिपेयर्ड सुदर्शन लेक इन जूनागढ़। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि सुदर्शन लेक जूनागढ़ का निर्माण करवाया गया था फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। यहां पे हम लोगों को उज्जैन के काफी फेमस किंग देखने को मिलते हैं, सम्राट विक्रमादित्य, और किंग विक्रमादित्य ने शक्स को हराया, और शक्स को हराने के साथ ही में उन्होंने विक्रमी संवत की शुरुआत की 57 BC में। ध्यान रखना कैलेंडर्स को लेकर भी काफी बारी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लोग अपने एक लेक्चर्स में कॉइंस और कैलेंडर्स के बारे में फिर से बात करेंगे। सो ही स्टार्टेड विक्रमी संवत। इन 57 BC, ठीक है, ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्थियंस के बारे में बहुत ज्यादा बात करने वाली है नहीं। सो द नेक्स्ट कम्स कुशांस। कुशांस बिलोंग टू योची ट्राइब ऑफ चाइना, ये चाइना की योची ट्राइब से बिलोंग किया करते थे, योची ट्राइब के लोग थे ये। और कुशांस के टाइम पीरियड में हम लोगों को भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के देखने को मिलते। ध्यान रखना कॉइन्स को लेकर और कैलेंडर्स को लेकर काफी इंपॉर्टेंटली आज के टॉपिक में बात होने वाली है। सो द फाउंडर ऑफ कुशांस वॉज कुजाला कैडाफिसिस, इनको कैडाफिसिस फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय वीमा कैडाफिसिस या कैडाफिसिस सेकंड के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, सो द कनिष्क वॉज द फेमस रूलर ऑफ कुशांस जिन्होंने 78 AD से 101 AD तक रूल किया, और कनिष्क के टाइम पीरियड में हम लोगों को क्या देखने को मिलती है, हम लोगों को देखने को मिलती है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। जिन स्टूडेंट्स ने बुद्धिज्म का लेक्चर नहीं देखा हुआ वो अपने प्लेलिस्ट में जाके इस लेक्चर को चेकआउट कर सकते हैं। सो द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस इन 1st century AD, और कहां पर हुई, ये हुई थी कश्मीर में। तो JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के किंग कौन थे, कनिष्क थे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई, कश्मीर में हुई। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कश्मीर में इनमें से कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, तो ऑप्शन में दे सकते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये कश्मीर में हुई। कनिष्क की अगर हम लोग बात करें, ही वॉज दी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुशान डायनेस्टी। इनकी दो कैपिटल्स रही, वन वॉज पुरुषपुर एंड द सेकेंड कैपिटल वॉज मथुरा। सो ही स्टार्टेड शक संवत, इन्होंने शक संवत की शुरुआत की 78 AD में। विक्रमी संवत की शुरुआत से लगभग 135 साल के बाद में इन्होंने शक संवत की शुरुआत की। सो ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ महायान बुद्धिज्म। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के रिजल्ट्स में हम लोगों को देखने को मिलते हैं दैट बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू हीनयान एंड महायान। दो सेक्ट हम लोगों ने बुद्धिज्म के बारे में बात की थी, आप लोग देख सकते हैं। सो ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ महायान बुद्धिज्म। चरक, आचार्य चरक की अगर हम लोग बात करें, ही वॉज द ऑथर ऑफ चरक संहिता। ही वॉज हिज कोर्ट फिजिशियन, वो इनके राज वैद्य थे। जीवक के बारे में हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी, तो जीवक किसके वैद्य थे, जीवक हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसार के वैद्य थे, ठीक है। So, यहां पे हम लोगों को दो चीजें और देखने को मिलती हैं, दैट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज द आउटकम ऑफ कुशांस, एंड नागार्जुन जो कि इनके कोर्ट फिलोसोफर थे, इनके दार्शनिक थे, इनको आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नागार्जुन इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। ही गेव द फिलोसफी ऑफ निलिज्म, इनको हम लोग शून्यवाद के नाम से जानते, शून्यवाद की फिलोसफी देने वाले थे नागार्जुन। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वॉज द आउटकम ऑफ इंडो ग्रीक्स, ये इंडो ग्रीक्स के द्वारा दिया गया था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, बट ये प्रोपाउंड किया गया था कुशांस के दौरान। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये
रिसेंटली हुए एग्जाम्स जेके पीएसआई में पूछा गया था. सो दिस वॉज दी एम्पायर ऑफ कनिष्क, जहां पे हम लोगों को ये जो ब्लू कलर का मैप है लगभग, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है कि इतना बड़ा एम्पायर था किसका, कनिष्क का. ठीक है, तो दो कैपिटल जिनकी थी, वन हेयर इज मथुरा एंड वन हेयर वॉज पुरुषपुर. ठीक है, यहाँ पे दी भी हुई है, कश्मीर में हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अंडर किंग कनिष्क, जिसका आउटकम था दैट बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू हीनयान एंड महायान. सो फर्दर मूविंग नेक्स्ट, सो दीज आर दी वेरियस ऑथर्स हु हैव ऑथर्ड वेरियस बुक्स एस्पेशली इन संस्कृत लैंग्वेज. कालिदास की अगर हम लोग बात करें, कवि कुल गुरु कालिदास, इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं. बुक्स के नाम की अगर हम लोग बात करें, वन वॉज अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम. मालविका अग्निमित्रम के बारे में हम लोगों ने अभी बात की, आपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि अग्निमित्र, सॉरी इसी लेक्चर में बात की कि शुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग, उनके बेटे अग्निमित्र के ऊपर लिखी गई थी मालविका अग्निमित्रम. अभिज्ञान शकुंतलम की अगर हम लोग बात करें, तो शकुंतला और दुष्यंत जो थे, जिनके बेटे का नाम था भरत, ठीक है, उनके ऊपर ये किताब लिखी गई. कुमार संभवम की अगर हम लोग बात करें, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात की, जिसमें हम लोगों ने कुमार गुप्त के बारे में बात की थी, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, उनके ऊपर लिखी गई थी कुमार संभवम. देन द बुक इज मेघदूतम रघुवंशम, ये रघुवंश के ऊपर लिखी गई है, विक्रमोवर्षी, एंड नेक्स्ट इज ऋतु संहारम. काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी पेटेंट रूप से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी बुक कालिदास के द्वारा लिखी गई है. यह क्वेश्चन आप लोगों को कई सारे ऑथर्स एक तरफ पे दे सकते हैं और कई सारी बुक्स एक तरफ पे दे सकते हैं, और मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. करेक्ट पेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनकरेक्ट पेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ऑथर्स एंड बुक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो द नेक्स्ट इज नागार्जुन, इनको हम लोग आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. शून्यवाद निहिलिज्म की फिलॉसफी इन्होंने दी, और बुक का नाम था माध्यमिक सूत्र. नेक्स्ट इज आचार्य सुश्रुत, इनको हम लोग फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जानते हैं, और बुक का नाम था सुश्रुत संहिता. सो ही रोट सुश्रुत संहिता. आचार्य चरक, जो कि कनिष्क के राजवैद्य थे, इनको हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं, चरक संहिता इन्होंने दी. देन द ऑथर वॉज शूद्रक, बुक का नाम था मृच्छकटिकम. ऑथर वॉज भरत मुनि, बुक का नाम था नाट्य शास्त्र. ऑथर वॉज महर्षि वात्स्यायन, बुक का नाम था कामसूत्र. ऑथर वॉज अश्वघोष, बुक का नाम था बुद्ध चरित्र. अश्वघोष का नाम हम लोगों ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में भी बात की थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को लीड किया था वासुमित्र ने, हु वॉज ही इट्स चेयरमैन, और जो वाइस चेयरमैन थे ही वॉज अश्वघोष. हम लोगों ने अपने बुद्धिज्म के टॉपिक में इस बारे में बात की थी कि अश्वघोष के द्वारा रचित बुद्ध चरित्र के बारे में हम लोग अपने अपकमिंग लेक्चर्स में बात करेंगे. सो हियर इज अश्वघोष. सो फर्दर मूविंग नेक्स्ट, दिस वॉज द गुप्ता एम्पायर. हमारा आज का दूसरा टॉपिक है गुप्ता डायनेस्टी को लेकर. सो लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अप्रोक्सीमेटली इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मेजरली जो नॉर्दर्न पार्ट है और जो ईस्टर्न पार्ट है, ये गुप्ता एम्पायर का पार्ट रहा. गुप्ता एम्पायर जिसको हम लोग गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं. सो गुप्ता एम्पायर इज कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया. सो गुप्ता डायनेस्टी को हम लोग गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं. इसको हम लोग गोल्डन पीरियड के नाम से क्यों जानते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चलकर बात करते हैं. 319 टू 550 एडी, ध्यान रखना अब टाइम पीरियड एडी के चल रहे हैं, ठीक है, पहले बीसी के चल रहे थे, अब एडी के चल रहे हैं. सो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे श्रीगुप्त, इनको हम लोग महाराज के नाम से भी जानते हैं, एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय घटोत्कच. गुप्ता डायनेस्टी में हम लोगों को काफी कॉमनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो टाइटल्स को लेकर पूछा जाता है, कि ये टाइटल इनमें से किस किंग को मिला था, ठीक है, तो टाइटल्स को लेकर भूलना नहीं है आप लोगों ने. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गुप्ता डायनेस्टी में किस किंग का कौन सा टाइटल था. तो श्रीगुप्त ने टाइटल एज्यूम किया महाराज का,
ही वॉज सक्सेडेड बाय घटोत्कच। घटोत्कच का जो बेटा था ही वॉज चंद्रगुप्त फर्स्ट। हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी कि वंशावली में हम लोगों को वंश जो होता है उसमें किंग के बाद में जो उसका बेटा होता है वही किंग बनता है, ये चीज हम लोगों को देखने को मिलती है। हेरिडिटरी का रूल हम लोगों को डायनेस्टीज में देखने को मिलता है। सो द चंद्रगुप्त फर्स्ट ही रूल फ्रॉम 319 AD टू 335 AD। ही वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी कॉमनली पूछा गया, ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप लोगों को पूछा जाए दैट हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी तो आंसर विल बी श्रीगुप्त। अगर आप लोगों को पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी या क्वेश्चन पूछ ले फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी तो उसका आंसर चंद्रगुप्त फर्स्ट रहेगा। ठीक है, भूलना नहीं है। सो चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज अ किंग हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। इन्होंने गुप्ता संवत की शुरुआत की 319 AD में। आज के टॉपिक में हम लोगों ने ये तीसरा कैलेंडर पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा विक्रमी संवत जिसकी शुरुआत की किंग विक्रमादित्य ने 57 BC में। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा शक संवत जिसकी शुरुआत की किंग कनिष्क ने 78 AD में। एंड हेयर कम्स द थर्ड कैलेंडर गुप्ता संवत जिसकी शुरुआत की किंग चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 AD में, 319 ईस्वी में। इनका विवाह लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी के साथ में हुआ। लिच्छवी का नाम हम लोगों ने सबसे पहली बारी पढ़ा था महावीर जैन की माता का नाम। महावीर जैन की माँ का नाम था त्रिशला जो कि लिच्छवी प्रिंस चेतक की बहन थी। जिन स्टूडेंट्स ने वो वाला टॉपिक नहीं देखा हुआ बुद्धिज्म और जैनिज्म का वो एक बारी उस टॉपिक को गो थ्रू कर सकते हैं। सो ही इशूड गोल्ड कॉइन्स जिनको दिनार के नाम से जाना जाता है और उन गोल्ड कॉइन्स में इंस्क्रिप्शन थी, आकृति उकेरी गई थी एक किंग की और एक क्वीन की, राजा और रानी की। तो काफी कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉइन्स को लेकर कि राजा रानी के जो सिक्के थे वो इनमें से किस किंग के द्वारा शुरू किए गए, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा शुरू किए गए थे। ठीक है, सो हेयर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ इंडिया किंग समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिच्छवी दुहित्रा। इनको वी ए स्मिथ जो कि एक फॉरन हिस्टोरियन रहे उन्होंने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से कहा। इनको हीरो ऑफ 100 बैटल्स भी कहा जाते। ये पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने परम भागवत का टाइटल एज्यूम किया और इनको कविराज भी कहा जाता। एक एक करके इनके सभी टाइटल्स को देख लेते हैं। सी इन्होंने अपने जीवन काल में 100 से ज्यादा युद्ध लड़े, इस कारण से इनको हीरो ऑफ 100 बैटल्स कहा जाता है और इसी कारण से इनको वी एस स्मिथ ने कहा नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है JKSSB में कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। लिच्छवी दुहित्रा इनको, सी बेसिकली जो वर्ड दुहित्रा है उसका मतलब होता है बेटी का बेटा। ठीक है, अगर एक किंग है उसकी डॉटर है और उसका बेटा है, ठीक है, तो ये इनका क्या लगा, ये इनका मैटर्नल ग्रैंडसन लगा। ठीक है ना, मैटर्नल ग्रैंडसन, तो मैटर्नल ग्रैंडसन को बोलते हैं दुहित्रा, है ना, बोलते हैं ना धोत्रा धोत्री, है ना, तो उसको कहा जाता है धोत्रा। इस कारण से इनको कहा जाता है लिच्छवी दुहित्रा। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त की जो माँ थी वो चंद्रगुप्त की वाइफ कुमार देवी थी जो कि लिच्छवियों की बेटी थी, है ना। अभी हम लोगों ने बात की थी दैट चंद्रगुप्त गॉट मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, तो कुमार देवी का बेटा है समुद्रगुप्त और इस कारण से इनको कहा जाता है लिच्छवी दुहित्रा। परम भागवत लेने वाले, परम भागवत का टाइटल एज्यूम करने वाले पहले गुप्ता रूलर थे। इन्होंने कई प्रकार के सिक्के शुरू किए और उन सिक्कों में एक सिक्का हम लोगों को देखने को मिलता है जहां पे एक किंग ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, दैट इज वीणा, और इस कारण से इनको टाइटल दिया जाता है कविराज का। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रयाग प्रशस्ति, ये इनके कोर्ट पॉइंट हरिसेन के द्वारा दिया गया। हरिसेन ने अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त के बारे में कुछ चीजें मेंशन की हुई हैं, उनके बारे में कई सारी चीजें वर्णित हैं वहां पर। सो समुद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन चंद्रगुप्त सेकंड। एंड चंद्रगुप्त सेकंड की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने शख्स को हराया और इस कारण से इन्होंने टाइटल एज्यूम किया था विक्रमादित्य का। ठीक है, तो आप लोगों को काफी कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रमादित्य इनमें से किस किंग को बोलते हैं, तो चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है विक्रमादित्य। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है,
सो द आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन दिल्ली, ये चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा दिया गया, और इन्हीं के टाइम पीरियड में हम लोगों को एक चाइनीज ट्रेवलर का आगमन भारत में देखने को मिलता है, ही वॉज फाहियान। ठीक है, फाहियान किसके टाइम पीरियड में भारत में आया? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में भारत में आया। ये जेकेएसएसबी के द्वारा पूछा गया काफी कॉमन क्वेश्चन है। सो मूविंग नेक्स्ट, सो हेयर कम्स द नेक्स्ट रूलर कुमार गुप्त, जिनके ऊपर लिखी गई कुमार संभवम, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले उसके बारे में बात की। तो कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी के रियून्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं बिहार में, एंड नालंदा वॉज लेटर ऑन डिस्ट्रॉयड बाय, किसके द्वारा डिस्ट्रॉय की गई थी? ये आने वाले टाइम में जब हम लोग फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में बात करेंगे तो एक इन्वेडर के बारे में बात करेंगे, बख्तियार खिलजी। सो बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड नालंदा एज वेल एज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मिडाइवल इंडिया का, उसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सो कुमार गुप्त स्टार्टेड द वर्शिप ऑफ कार्तिकीय। ठीक है, कार्तिकीय कौन है? ही इज द सन ऑफ लॉर्ड शिवा। इनकी पूजा का जो अनुष्ठान है ये इनके द्वारा शुरू किया गया, और कुमार गुप्त ने टाइटल एज्यूम किया महेंद्रादित्य का। इन यहां पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि कुमार गुप्त को लेकर एक अभिलेख, एक लेख बात करते हैं, दैट इज वित्री अभिलेख, जो कि यूपी के गाजीपुर में है, जो कि इनके बेटे स्कंदगुप्त के द्वारा दिया गया। ठीक है, वित्री अभिलेख गाजीपुर यूपी वॉज गिवन बाय हिज सन स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ने दिया, जो कि कुमार गुप्त के बारे में बात कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट रूलर इज स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में हम लोगों को सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब हुंस का आक्रमण देखने को मिलता है, और बार बार हो रहे हुन के आक्रमण से जो गुप्ता एम्पायर था वो वीक होता चला गया, और स्कंदगुप्त के बाद में जो ये एम्पायर था वो डिक्लाइन हो गया। द ग्लोरी ऑफ दिस डायनेस्टी डिक्रीज्ड आफ्टर हिज डेथ एंड द लास्ट रूलर वॉज विष्णुगुप्त। ठीक है, द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज विष्णुगुप्त। गुप्तास एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोगों ने बात करनी है। टॉपिक को हम लोगों ने शुरू किया था कि गुप्ता पीरियड को हम लोग गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, सो द गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया बिकॉज, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हम लोगों को कई सारे फील्ड्स में काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती है। किन किन फील्ड्स में हम लोगों को डेवलपमेंट देखने को मिलती है? बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ संस्कृत, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। संस्कृत को लेकर काफी डेवलपमेंट्स इनके टाइम पीरियड में हुई। हम लोगों ने कालिदास के बारे में बात की, हु वॉज वन ऑफ द नाइन जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में हम लोगों को नवरत्न देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक थे कालिदास, एक थे आर्यभट्ट, एटसेट्रा। तो कालिदास ने संस्कृत लैंग्वेज को लेकर अपने कई सारे प्लेज लिखे, जिसमें हम लोगों को अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, इन सब के बारे में बात करने को मिली। इसके बाद में लिटरेचर्स, पुराणों की जो व्यवस्था थी, पुराण कितने पुराण थे? 18 पुराण है। ठीक है, उनको जो कंपाइल किया गया वो गुप्तास के टाइम पीरियड में कंपाइल किया गया। आर्ट एंड कल्चर को लेकर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आर्किटेक्चर, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो गुप्तास के द्वारा बनाए गए। ठीक है, मैथमेटिक्स आर्यभट्ट, ठीक है, वो इनके टाइम पीरियड में थे। एस्ट्रोलॉजी अगेन आर्यभट्ट, ठीक है, वो इनके टाइम पीरियड में थे। सो काफी ज्यादा डेवलपमेंट हम लोगों को गुप्ता से टाइम पीरियड में देखने को मिलती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी संस्कृत। आने वाले टाइम में हम लोग बात करेंगे जब मिडाइवल इंडिया की, तो मुगल से जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुगलों की वो थी पर्शियन। ठीक है, उसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे। सो द ऑफिशियल सिंबल ऑफ गुप्तास वॉज गरुड़। गरुड़ किसका वाहन है? गरुड़ इज द वाहन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, लॉर्ड विष्णु के साथ में एसोसिएटेड है ये गरुड़। नागा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, दशवतार, लॉर्ड विष्णु के दश अवतार हम लोगों को देखने को मिलते हैं। 10 इनकार्नेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु हम लोगों को देखने को मिलती है ना। तो दीज टेम्पल्स वर बिल्ट ड्यूरिंग गुप्ता डायनेस्टी। इस टाइम पीरियड में हम लोगों को सबसे ज्यादा सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं। अगेन कॉइंस को लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, कॉइंस को लेकर हम लोगों ने आज के टॉपिक में भी काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए।
आगे आने वाले टॉपिक्स में भी हम लोगों को मिडाइवल इंडिया में कई सारे कॉइन्स को लेकर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कई सारे किंग्स जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स शुरू किए। मॉरेंस की अगर हम लोग बात करें, हम लोगों को दो कॉइन्स वहां पे देखने को मिले, पर्ण और माशिका। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, हम लोगों को कॉइन्स देखने को मिलते हैं इंडो ग्रीक्स के द्वारा, जो पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के शुरू किए। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को कुशांस देखने को मिलते हैं, जिनके टाइम पीरियड में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। और अभी हम लोग बात करें गुप्ता डायनेस्टी की, जिनके टाइम पीरियड में हम लोगों को सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी देखने को मिलते हैं। एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये बोले। एसएससी में बहुत बार ये वाले क्वेश्चंस रिपीटेशन में पूछे जाते हैं। सो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर इशू ड्यूरिंग कुशांस, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात की हुई है। एरान इंस्क्रिप्शन, एक अभिलेख है एरान जो कि मध्य प्रदेश में है, यहां से हम लोगों को सबसे पहले एविडेंसेस देखने को मिलते हैं सती प्रथा के, कि सती प्रथा नाम की जो कुरीति थी भारत में, यह हम लोगों को गुप्ता वंश में देखने को मिलती है। सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा हम लोगों को एक ऐसी कुरीति देखने को मिलती है भारत में, जिसमें अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ है और उसमें हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को हस्बैंड की पायर पे, हस्बैंड की चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। इट वॉज दी सिस्टम ऑफ सती। ठीक है, इसके सबसे पहले प्रमाण हम लोगों को गुप्ता डायनेस्टी में देखने को मिलते हैं। गुप्ता डायनेस्टी में हम लोगों ने नालंदा के बारे में बात की थी। इसके अलावा काफी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पे, विच वॉज फाउंडेड बाय किंग धर्मपाल। किंग धर्मपाल ये पाल वंश के किंग थे और पाल वंश के जो फाउंडर थे ही वॉज किंग गोपाल। काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी बारी पूछा जाता है। सो आप लोगों ने एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि गुप्ता के टाइम पीरियड में हम लोगों को केवल एक ही डायनेस्टी देखने को मिलती है, कौन सी थी? इट वॉज नालंदा ओनली। ठीक है, सो मूविंग नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर एंशियंट हिस्ट्री, वर्धन डायनेस्टी। हम लोगों ने वर्धन डायनेस्टी के बारे में बात करनी है। अर्ली सिक्स सेंचुरी एडी इसका टाइम पीरियड रहा और इसके फाउंडर थे पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वर्धन वॉज ही फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो थी थानेश्वर, हरियाणा। ये आज के टाइम पीरियड में हरियाणा में देखने को मिलती है। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस किंग के बारे में हम लोगों ने बात करनी है, ही विल बी हर्षवर्धन। सो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड हम लोगों को 606 से 647 एडी देखने को मिलता है और इनको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, माता का नाम था यशोमती, इनके बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन और बहन का नाम था राजश्री। हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल थानेश्वर, है ना, अभी बात की थी कि थानेश्वर इनकी कैपिटल थी क्योंकि वर्धन डायनेस्टी की। सो थानेश्वर से ये अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं कहां पे? कन्नौज में। कन्नौज आज के टाइम पे यूपी में। सो ही सेव्ड हिज सिस्टर फ्रॉम बीइंग सती विद द हेल्प ऑफ ए बुद्धिस्ट मंक दिवाकर मित्रा। ए चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेकेएसएसबी ने काफी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनफैक्ट लास्ट ईयर में कई सारे एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। सो चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग इनके टाइम पीरियड में भारत आता है। ध्यान रखना ह्यून सांग कश्मीर भी गया था, ठीक है, एंड एज फार एज साउथ इंडिया में ये कांची भी गया था। तो कश्मीर में गया था, इस कारण से एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 630 एडी में ये भारत आया। 642 एडी भारत आने के लगभग 12 साल के बाद में इसने हर्षवर्धन के जो दरबार था उसको विजिट किया और उसी दौरान हम लोगों को कन्नौज असेंबली भी देखने को मिलती है। सो हर्षवर्धन वॉज ए फॉलोअर ऑफ महायान बुद्धिज्म और 647 में ही डाइड। हर्षवर्धन ने कुछ आत्मकथाएं लिखी जिनमें हम लोगों को तीन बुक्स देखने को मिलती है रत्नावली। ध्यान रखना ये एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जब जेके हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ये वाली बुक हम लोगों को हर्षवर्धन की देखने को मिलती है, इस कारण से रत्नावली के ऊपर काफी बारी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पंडित कल्हन के बारे में बात की थी, वहां पे हम लोगों ने बुक के बारे में बात की थी राज तरंगिनी, उसके ऊपर एसएसबी बहुत बारी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सो हर्षवर्धन की ऑटोबायोग्राफीज तीन थी, कौन कौन सी? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद। इनके कुछ कोट पॉइंट्स थे जिनमें हम लोगों को भानुभट्ट देखने को मिलते हैं और भानुभट्ट ने बुक्स लिखी हर्षचरित और कादंबरी। अभी हम लोगों ने बात की थी ह्यून सांग के बारे में। ह्यून सांग ने
भारत में जो यात्राएं की उसको उसने अपनी बुक सी यू की में मेंशन किया हुआ है। और सी यू की गुप्ता पीरियड को लेकर, उस टाइम पीरियड के भारत को लेकर हमारे लिए एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, ऑथर्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहां पे हम लोगों को आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट कौन है? आर्यभट्ट वॉज द इन्वेंटर ऑफ जीरो, ही वॉज अ पर्सन हु गेव अस जीरो। ठीक है, सो आर्यभट्ट ने बुक्स लिखी सूर्य सिद्धांत, ठीक है, सन को लेकर यह बुक लिखी गई है आर्यभट्टियम। इनके अलावा हम लोगों को ऑथर देखने को मिलते हैं वराह मिहिर, जिन्होंने अपना पंच सिद्धांत दिया, बृहद जातक दिया, इसको बृहद संहिता भी लिखते हैं। पालकप्य नाम के ऑथर ने हम लोगों को दी हस्त आयुर्वेद। हस्त आयुर्वेद पहली ऐसी बुक थी जो कि वेटनरी साइंस के ऊपर बेस्ड थी। वेटनरी साइंस मतलब जो जानवरों के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट ऑथर वॉज भवभूति, जिन्होंने बुक दी उत्तम चरित्र। हम लोगों ने अश्वघोष के बारे में बात की थी, जिन्होंने बुक दी थी बुद्ध चरित्र। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ में हम लोगों का एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होता है। हम लोगों ने आज के टॉपिक में पोस्ट मोरेस के बारे में बात की, गुप्तास के बारे में बात की और वर्धन डायनेस्टी के बारे में बात की। पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट है, एंशियंट हिस्ट्री हमारी कंप्लीट है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, हर ट्यूजडे को, हर मंगलवार को हमारा ऑफलाइन बैच शुरू होता है। आप लोग उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें 3 दिन का डेमो फ्री दिया जाता है। उन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को हमारे इन नंबर्स पे कॉल करना होगा। गूगल प्ले स्टोर से आप लोग स्पार्क इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को फ्री डेली क्विज देखने को मिल जाते हैं, जो कि JKSSB, JKPSI, SSC और बैंकिंग के रेलिवेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।